ये है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये ब्रिटिश इंडिया में एक सिविल सर्वेंट और लिंग्विस्ट थे, और इनके फिलोलॉजी में इंटरेस्ट ने इन्हें बंगाल और बिहार में अपनी पोस्टिंग के दौरान भारत की भाषाओं और लोक कथाओं में अध्ययन करने के लिए इंस्पायर किया। इन्होंने अपनी कई स्टडीज़ को जर्नल्स ऑफ लर्न सोसाइटी में पब्लिश किया था, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के दौरान इन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, जैसे बिहार प्रेजेंट लाइफ, अ डिक्शनरी ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज और द पिसाचा लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। पर इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, जिसे कंपाइल करने के लिए 30 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। इसके लिए सबसे पहले ग्रियर्सन ने 1886 में वियना में हुए 7th इंटरनेशनल ओरिएंटल कांग्रेस को अटेंड किया था, जहां पे उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे का प्रपोजल रखा, जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशियली टर्न डाउन किया गया था। लेकिन ग्रियर्सन ने 1891 तक इसे अप्रूव करवा लिया था, और ये फॉर्मली 1894 में शुरू हुआ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को 1898 से 1928 तक 11 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया, जो कि उस समय में ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक सर्वे था। इस लिंग्विस्टिक सर्वे में 364 लैंग्वेजेस और बहुत सारे लोकल डायलैक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। और इसी सर्वे के वॉल्यूम 9 पार्ट 4 में हमारी पहाड़ी लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया है। पहाड़ी लैंग्वेजेस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के अंडर आती है, और ग्रियर्सन के अनुसार पहाड़ी लैंग्वेजेस का ओरिजिन धरती और पिशाची है। पर मॉडर्न लिंग्विस्ट इससे एग्री नहीं करते हैं, वो पहाड़ी लैंग्वेजेस का ओरिजिन शॉर्ट श्रेणी नागर अपभ्रंश मानते हैं। ग्रियर्सन ने पहाड़ी भाषा को 3 भागों में बांटा था, ईस्टर्न पहाड़ी जो कि नेपाल में बोली जाती है, सेंट्रल पहाड़ी जो कि उत्तराखंड और वेस्टर्न नेपाल में बोली जाती है, और वेस्टर्न पहाड़ी जो कि मेनली हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1891 में वेस्टर्न पहाड़ी 800,000 लोगों द्वारा बोली जाती थी, और प्रेजेंट डे में लगभग 90% लोग हिमाचल में पहाड़ी भाषा बोलते हैं। पर यह सिर्फ एक भाषा नहीं है, लगभग 30 रिकॉग्नाइज्ड बोलियां इसके अंडर आती है, जिसका वर्गीकरण ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। हमारे लिए भाषा एक माध्यम है, जिसकी सहायता से हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली भाषा को 2 प्रकार से समझा जा सकता है, पहली है मौखिक और सांकेतिक भाषा, और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। समय के साथ साथ हमारे लिए अपने भावों और विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना, और अपने संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चला पाना इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दिया गया, प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह बनाए गए, और वर्षों की इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। ऑलमोस्ट हर भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बोलियों की बात करें तो ये भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है, जो कि एक सीमित क्षेत्र या कल्चर में बोली जाती है। सिंपली कहें तो बोलियां एक ज्योग्राफिकल रीजन में लोकल्स के बिहेवियर और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डे डेटा को सिंक करेंगे तो हिमाचल में अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 स्पष्ट बोलियां बोली जाती है, जिन्हें कि ज्योग्राफिकल रीजन्स द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर में कांगड़ी बोली है, जो कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी बोलियों को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बोलियां या तो किसी स्पेसिफिक वैली में बोली जाती है या तो किसी रियासत में। जैसे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर हम बात करें तो गिरी आर क्षेत्र में धारटी बोली जाती है, और गिरी पार में गिरी पारी और बिससाऊ बोली जाती है, जिसे प्रेजेंट डे में विश्वाई बोलते हैं। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में 4 मुख्य बोलियाँ हैं। इसमें सबसे पहली आती है किरण या किरनी, जो कि थरोच में बोली जाती है। दूसरी है कोची, जो कि रामपुर और कोटगढ़ में बोली जाती है। तीसरी है बरारी, जो कि जुब्बल और रोहड़ू में बोली जाती है। और चौथी है क्योंथली, जो कि जुंगा में बोली जाती है। इसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सोलन में 3 बोलियां बोली जाती है। पहली है बघाटी, जो कि बघाट रियासत में बोली जाती है। दूसरी है बघलानी, जो कि कुनिहार और अर्की में बोली जाती है। और तीसरी है हिंदुरी, जो कि नालागढ़ में बोली जाती है।
बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे गहलूरी 6 तरीके से बोली जाती है, जिसका अकाउंट ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में दिया था। इसके अलावा चंबा में चंबियाली बोली जाती है, पांगी में पंगवाली और भरमौर में भरमौरी बोली जाती है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में मंडियाली बोली जाती है, सुंदरनगर में सुकेती बोली जाती है जो कि सुकेत रियासत का हिस्सा था, और बरोट और चुहार में चुहारी बोली जाती है जिसे पहाड़ी मंडियाली भी कहते हैं, जो कि मिक्सचर है कुल्बी और मंडियाली का। कुल्लू के इनर सराज में सराजी बोली जाती है और सेंज में सेंजी बोली जाती है। ग्रियर्सन ने लाहौल स्पीति और किन्नौर की बोलियों को वेस्टर्न पहाड़ी में इंक्लूड नहीं किया था, वो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की बोलियों को सेमी तिब्बतन मानते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक सर्वे किया था तो वो इससे एग्री नहीं करते थे और उन्होंने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में वैली टू वैली बहुत सारी बोलियों को ऑब्जर्व किया। जैसे स्पीति में भोटी बोली जाती है, गारी केलोंग के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, पटनी पट्टन वैली में बोली जाती है, और मनछत और चागसा चिनाब घाटी में बोली जाती है। अगर किन्नौर की बात करें तो 75% लोग किन्नौर में हम्सकाद या होम्सकाद बोलते हैं, और किन्नौर की कुछ उप बोलियाँ भी हैं जैसे संगनू, जंगियम और शुमको। पहाड़ी बोलियों की अपनी कोई स्पेसिफिक लिपि नहीं है, सिर्फ भोटी की अपनी लिपि और व्याकरण है, और कांगड़ी, मंडियाली और कुलवी टांकरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि पुराने ज़माने में राजाओं द्वारा फरमान, लेख और बनियों द्वारा हिसाब किताब करने में प्रयोग की जाती थी। यूनेस्को के अनुसार डोगरी को छोड़कर सारी वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस या तो इंडेंजर्ड है या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और किसी भी पहाड़ी लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 के अंदर ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है। हालांकि 2010 में विधानसभा में इसको शेड्यूल 8 में शामिल करने की मांग उठी थी, पर उसके बाद से अब तक कोई भी डिबेट इस विषय पर नहीं हुई है, जो कि हमारे इंडेंजर्ड डायलैक्ट्स के लिए चिंता का विषय है।